बिहार के जिले में कटिहार में सूखे नशे के कारोबार ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। कटिहार पुलिस ने गांजा कारोबार के एक ऐसे ही नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की तफ्तीश और जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में कटिहार पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी गांजा के कारोबार का सरगना है। पुलिस ने इसे कुर्सेला थाना क्षेत्र के नवाबगंज पूरब टोला से 58 किलोग्राम गांजा की खरीद बिक्री के दौरान गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में आरोपी के पास से 2 सुमो गोल्ड मोबाइल समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए हैं, जिसकी जानकारी कटिहार SP वैभव शर्मा ने दी है। को कुर्सेला थाना अध्यक्ष को ये जानकारी प्राप्त हुई कि नवाबगंज पूरा टोला में बहरू मंडल ने अपने आवास पर जो नव निर्मित था उसमें कुछ गांजा रखा हुआ है। तो उस सूचना के बाद दंडाधिकारी के साथ वो वहाँ प्रस्थान किए। उन्होंने घटनास्थल को घेरा और वहाँ पर घर से और 2 वाहन जो वाहन खड़े हुए थे उन वाहनों से कुल 58 किलो गांजा बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम में भागने क्रम में मतलब 3 लोग थे, जिसमें से बहरू मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दोनों की शिनाख्त हो गई है और बहुत जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस केस में लमसम 58 किलो गांजा, 2 मोबाइल और 2 टाटा सुमो गोल्ड बरामद हुआ है, जिसके अंदर से भी कुछ कुछ गांजा बरामद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस गांजे का कीमत क्या हो रहा है, इस संबंध में पूरी जानकारी लेकर बता देंगे आपको। सर ये गांजा का खेप है, कोई मास्टरमाइंड या कोई इसका जो सरगना है वो है, इससे लिंकअप है इनका या कुछ पता चलता है? हाँ, ये बाहर से लाता था और इसके बारे में कुछ कुछ इसने इनपुट्स दिए हैं, जिस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। सीमांचल में सूखा नशा के अवैध कारोबार ने पूरे इलाके को अपने चंगुल में जकड़ लिया है। कुछ दिनों पहले ही पूर्णिया से ब्राउन शुगर, अररिया से गांजा, स्मैक और किशनगंज से भी कुछ इसी तरह के आरोपियों को नशीले खेप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कार्रवाई भी करती, लेकिन ये अवैध कारोबार दिन दुगना रात चौगना अपना फन फैलाता ही जा रहा है। जरूरत है कि सरकार इसे एक मुहिम के तहत अभियान चलाकर इसके नेटवर्क को ध्वस्त करे। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।